हेलो दोस्तों, डोलीज किचन में आपका स्वागत है। और आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए दो बहुत ही मजेदार पकौड़ों की रेसिपी। एक बनाना पकौड़े और दूसरे हैं आलू प्याज के मिक्स पकौड़े। इसके लिए हमें चाहिए 1 कप बेसन, 1/4 कप सूजी, 1 चम्मच अमचूर पाउडर और 1 चम्मच चाट मसाला, 2 मीडियम साइज प्याज, 2 मीडियम साइज आलू, 2 बनाना, हरी मिर्चे और अजवाइन लीव्स, 1 गिलास पानी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेकिन इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो हम एक बड़े बाउल में बेसन ले लेंगे और अब हम इसमें सूजी ऐड कर लेंगे। इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि इसकी गांठें फूट जाएं। अब हम इसमें धीरे धीरे पानी डालते हुए एक थिक बैटर बना लेंगे। पानी हमें धीरे धीरे करके ही डालना है, एक साथ सारा पानी नहीं डालना है। और हमें इसको अच्छे से मिक्स करना है ताकि इसमें लम्स ना रहे। सूजी ऐड करने का फायदा ये है कि इससे पकोड़े बहुत ही क्रंची बनेंगे। अगर आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। ये देखिए, हमें कंसिस्टेंसी ऐसी ही चाहिए। इससे ज्यादा थिक नहीं रखेंगे इसको, ना ही इसको पतला करेंगे। अब हम इसको एक साइड रख देंगे। आलू लेंगे और उनको कट करेंगे। हम आलू के पतले पतले स्लाइस कट करेंगे। आप चाहें तो अपने मनचाहे शेप में आलू कट कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ छोटे छोटे पतले पतले कट किया है। ये देखिए, बस इससे ज्यादा मोटा नहीं कट करना है और इससे ज्यादा पतला भी नहीं करेंगे। अब हम इनको एक बाउल में पानी में डालकर रख देंगे ताकि आलू हमारे काले ना पड़े। प्याज कट करेंगे। प्याज भी हम अपने मनचाहे शेप में कट कर सकते हैं। मैंने यहाँ इसको लंबा कट किया है, आप चाहें तो राउंड शेप में भी कट कर सकते हैं। इसको भी हम आलू के साथ पानी में डालकर रख देंगे। अब हम हरी मिर्च कट कर लेंगे। छोटे छोटे टुकड़ों में हमने कट कर लिया है इसको। ये मैंने अजवाइन लीव्स लिए हैं, आप चाहें तो अजवाइन वैसे भी डाल सकते हैं या फिर इसको स्किप भी कर सकते हैं अगर आपको उसका टेस्ट पसंद नहीं है। अजवाइन थोड़ा डाइजेस्टिव होता है, इसीलिए ये मैंने यूज़ किया है और इससे टेस्ट भी अच्छा बनता है। इसको भी एक बाउल में ट्रांसफ़र कर देंगे। अब हम 2 बनाना जो हमने लिए हैं इनको कट करेंगे। बनाना थोड़ा टाइट ही लेना है, ज़्यादा पका हुआ बनाना नहीं चाहिए, कच्चा हो तो भी चलेगा। और इसको छिलकर हम पतला पतला लंबे लंबे स्लाइस कट कर लेंगे। बनाना को हम थोड़ा प्यार से ही हैंडल करेंगे। ये देखिए, बनाना कट चुके हैं। अब हम इस बेसन में
हरी मिर्च ऐड कर देंगे। जो अजवाइन लीव्स कट किए थे वो भी ऐड कर देंगे। ये है चाट मसाला, अमचूर पाउडर, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, और टेस्ट के अकॉर्डिंग हम इसमें सॉल्ट ऐड कर देंगे। अब सारे मसालों को अच्छे से मिक्स कर देंगे बेसन में। अगर बैटर थोड़ा थिक लगे तो हम थोड़ा और पानी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि हमने सूजी ऐड की थी इसमें, तो सूजी पानी थोड़ा एब्जॉर्ब कर लेती है। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। ये देखिए, हमें यही कंसिस्टेंसी चाहिए थी। और अब हम इसको एक दूसरे बाउल में हाफ ट्रांसफर कर देंगे। अब एक बाउल में हम बनाना के पीस डाल देंगे। और इसको हल्के हाथ से मिक्स करेंगे ताकि जो बेसन है वो सारे बनाना पर अच्छे से कोट हो जाए। हमें बहुत ही हल्के हाथ से इसको ऐड करना है ताकि बनाना जो है वो टूटे नहीं। और अब हम आलू प्याज को पानी से निकाल कर बेसन में ऐड कर लेंगे। एक अच्छा सा मिक्स देंगे ताकि सारे मसाले और बेसन अच्छे से प्याज और आलू के साथ मिक्स हो जाएं। ये देखिए, अब हम इसमें नींबू ऐड कर देंगे। नींबू से इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा हो जाता है। अब हमारे दोनों ही बैटर तैयार हैं। चलिए अब हम फ्राई करते हैं पकोड़े। अब हमने एक कढ़ाई में तेल को गर्म कर लिया है और इसमें हम बनाना के पकोड़े तलना स्टार्ट करते हैं। एक एक करके हम डाल देंगे। जितने कढ़ाई में आराम से हमारे पकोड़े आए उतने ही डालें। और गैस को हम मीडियम लो पर ही रखेंगे ताकि वो अंदर तक सिकें। बनाना के पकौड़े बहुत ही टेस्टी लगते हैं, खाने में कुछ नया है, आप ज़रूर ट्राई करिए एक बार। धीरे धीरे इनको हम पलटते हुए सेक लेंगे। ये देखिए, गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। और अब ये हम इनको कढ़ाई से बाहर निकालेंगे, टिश्यू पेपर पर रख लेंगे। और इसी तरह हम अपने सारे पकौड़े तल लेंगे। देखिए, बनाना के पकोड़े रेडी हो चुके हैं। और अब हम आलू और प्याज के पकोड़े तलेंगे। एक एक चम्मच भर के हम इसमें बैटर को डालेंगे। गैस हम धीमी ही रखेंगे। और हम इनको पलट देंगे।
ये देखिए कितना प्यारा इनका कलर आ गया है। अब हम इनको कढ़ाई से बाहर निकाल लेंगे। और इसी तरह सारे पकोड़ों को तल लेंगे। ये देखिए बनाना के पकोड़े एकदम रेडी हैं। आप इसको अपनी मनपसंद किसी भी चटनी के साथ सर्व करें। और आलू और प्याज के पकोड़े भी एकदम रेडी हैं। इसको भी आप अपनी मनपसंद चटनी के साथ गर्मा गर्म सर्व करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इन पकोड़ों को एंजॉय करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।